बिहार में जिस तरह अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, दिन दहाड़े हत्या लूट जैसी घटना को अंजाम देकर स्थानीय अपराधी फरार हो जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उन अपराधियों के पास नहीं पहुंच पा रही है। बिहार के सिवान जिले से इस वक्त बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां बिहार के सिवान जिले में को फिर अपराधियों ने लूट जैसी घटना को अंजाम दिया है। सिवान जिले के दरौंदा थाना इलाके में अपराधियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। एक डॉक्टर है, उनके कंपाउंडर है, किसी पेशेंट के यहाँ ऑपरेशन करने आ रहे थे, तभी अपराधियों ने उनके साथ लूट जैसी घटना को अंजाम दिया है। पूरी जो घटना है सिवान जिले के दरौंदा थाना इलाके के करसौद पुल एवं पशुर बाजार के बीचों बीच घटी हुई है, जहाँ पहले से घात लगाए 7 की संख्या में अपराधी थे। 3 बाइक पर सवार थे और हथियार लैस थे। हथियार का भय दिखाकर डॉक्टर साहब उनके जो कंपाउंडर उनके साथ लूटपाट जैसी घटना को अंजाम दिए। वहीं जो डॉक्टर है उनके जो कंपाउंडर है आनाकानी की, जिसके से हथियार के पट से उन लोगों पर वार भी किया गया, फिलहाल उनका इलाज चला है। वहीं उनके साथ जो लूटपाट किया गया उसमें से 24,000 रुपया और 2 फोन, डॉक्टर साहब उनके कंपाउंडर के पास से 24,000 रुपया था और 2 फोन उन लोगों के पास से था। इसके बाद अपराधी उनसे लेकर आसानी से फरार हो गए हैं। बाइक भी छीनने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर साहब के द्वारा चाबी को झाड़ी में फेंक दिया, जिसके बाद से अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। वहीं एक अन्य व्यक्ति है जो त्योथा के रहने वाले, जो महाराजगंज थाना क्षेत्र के त्योथा के रहने वाले हैं, उनका नाम राजीव रंजन बताया जा रहा है। उनके साथ भी अपराधियों ने लूट जैसी घटना को अंजाम दिया है। लगातार जिस तरह दिन दहाड़े अपराधी लूट जैसी घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जा रहे हैं, और पुलिस प्रशासन आखिर मौन क्यों बैठी रही है, इसमें बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सिवान की बात करें, सिवान में एक बैंक कर्मी को लूट के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर मौत की घाट 4 दिन पहले उतार दिया था। वहीं एक घर के बाहर सो रहे व्यक्ति को अपराधियों ने गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया था। बात करें तो 1 माह में लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग पर अपराधियों द्वारा गोली चला दिया गया। आखिर प्रशासन कहां सो रही है, आखिर प्रशासन कान में तेल लाल कर क्यों बैठी हुई है, बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पूरे बिहार की बात करें तो बिहार में रोजाना कोई ना कोई जिला में अपराधी अपना तांडव दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उन अपराधियों के पास आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही है। सिवान की बात करें, सिवान में रोजाना कहीं ना कहीं लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जिस सड़क की बात करें उस सड़क पर भी रोजाना 2 या 4 दिन पर हमेशा लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। वहीं दरौंदा थाना इलाका का महाराजगंज चंचौरा जो रोड है रुकुंदीपुर गाँव के समीप, वहाँ पर भी हमेशा मोबाइल छीनता ही पैसा छीनता ही हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन उन अपराधियों के पास उन असामाजिक तत्वों के पास आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि जिस तरह लूटपाट जैसी घटना बढ़ता जा रहा है, इस पर पुलिस प्रशासन कब तक उन अपराधियों के पास पहुंच रही है यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो सरकार सत्ता में जो लोग बैठे हुए, जो सरकार के लोग हैं, उनसे भी आग्रह होगी कि आप लोग कोई ठोस कदम उठाइए उन अपराधियों के लिए जो लगातार लूट जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, रोजाना कहीं ना कहीं हत्या करते रहे। इस पर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कोई ठोस कदम उठाइए, ताकि पुलिस प्रशासन उन अपराधियों के पास पहुंच जाए और बड़ी से बड़ी जो घटना घटी है उस पर नकेल कसा जा सके।